दोस्तों, ये एक ऐसा ऑयल है जिसमें 18 खास जड़ी बूटियाँ यूज़ हुई हैं, यानी 18 हर्ब्स यूज़ हुए हैं, 5 नरिशिंग ऑयल यूज़ हुए हैं। इसके अलावा इस ऑयल को गाय के दूध में 22 घंटे के लिए उबाला जाता है धीमी आंच में, यानी 5,000 पुरानी पारंपरिक विधि है ऑयल को तैयार करने के लिए, तैयार करने वाली, जिसको बोलते हैं शीर पाक विधि, जिसमें स्लो कुकिंग के तहत इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ये ऑयल और भी पावरफुल हो जाता है। तो ये ऑयल आपके हेयर फॉल, हेयर लॉस को कंट्रोल करके आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है सेसा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या ये ऑयल वाकई हेयर फॉल को कंट्रोल करता है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको यूज़ करने का सही तरीका, कितने दिनों में आपको आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है सेसा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, 100% नेचुरल एक्टिव प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्लिनिकली प्रूवन। इसमें कई सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ वाले हर्ब्स यूज़ हुए हैं, क्लिनिकली प्रूवन है, रिड्यूस हेयर फॉल, सपोर्ट हेयर ग्रोथ, यानी आपके हेयर फॉल को रोकता है। सर्टिफाइड आयुर्वेदिक ऑयल, यानी सर्टिफाइड ऑयल है। 50 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है यहाँ पे मेंशन है, 80 rupees इसकी प्राइस है। इसका प्राइस है, ये मैंने छोटी पैकिंग ली, अगर आप चाहो तो बड़ी भी ले सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप खरीद रहे हो तो मेक श्योर छोटी पैकिंग का ही इस्तेमाल करिए। आपको नॉर्मल लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, आपको ये ऑनलाइन। इसकी पैकेजिंग की, तो इस टाइप की इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, काफ़ी खूबसूरत सी। जैसे साथ ही साथ इसमें यहाँ पे बहुत सारी डिटेल, यहाँ पे हर्ब्स यूज़ हुए हैं, जड़ी बूटियाँ यूज़ हुई हैं, कौन कौन से इसमें क्या क्या करता है, सारा यहाँ पर मैंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी मैंशन है डिटेल, पीछे भी मैं देती हूँ। इसमें लिखा है, सेसा आयुर्वेदिक योर ट्रस्टेड फार्मूला नाउ इन न्यू पैक मेड विद शीर पाक विधि, यानी शीर पाक विधि है, जो कि 5,000 पुराना रिचुअल्स है या पुरानी विधि है, जो कि अना एंशंट तरीका है किसी भी ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें ये ऑयल कई सारी हर्ब्स को मिला के बनाया जाता है, लेकिन उसके जो क्वालिटीज़ हैं या जो उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनटेन रहती हैं। तो इसमें लिखा है, सेसा आयुर्वेदिक ऑयल इज़ नॉट ऑर्डिनरी ऑयल, ये एक साधारण ऑयल नहीं है, ये इट्स मेडिसिनल ऑयल विद शीर पाक विधि, 5,000 ईयर ओल्ड आयुर्वेदिक रिचुअल्स, 5,000 पुराने आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ तैयार किया गया ऑयल है। इसमें 18 जड़ी बूटियों को उबाला जाता है 5 नरिशिंग ऑयल में, जो कि प्योर गाय के दूध में 22 घंटे की, तकरीबन शीर पाक विधि में क्या होता है, गाय के दूध में 5 नरिशिंग ऑयल को मिक्स किया जाता है, उसमें 18 हर्ब्स को मिक्स किया जाता है। उसके बाद इसको स्लो कुकिंग के तहत, यानी धीमी आंच पर चढ़ा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 22 घंटे लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी इन सारे हर्ब्स मिल के जितनी भी उनकी क्वालिटीज, सारी क्वालिटीज ऑयल में रिलीज हो जाती है। इसके साथ ही साथ इसका इनकी जो गुणवत्ता है, जिनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाती है इसके साथ ही साथ। तो इसके अलावा नीचे ये भी लिखा है, 2-step therapy फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, यानी 2-step therapy है अगर बालों को कंट्रोल करना चाहते हो। पहले अप्लाई करें सेसा ऑयल को रात में, उसके बाद वॉश, सेसा आयुर्वेदिक शैम्पू भी आता है इसका, अगर चाहो तो आप शैम्पू भी परचेज कर सकते हो। इसको हफ्ते में आपको 2 या 3 बार यूज़ करना है, लगातार 3 महीने आप इसको यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट देख पाओगे। इसके साथ ही साथ इसमें किसी भी मिनरल ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है, इसके अलावा ना ही इसमें पैराबेन यूज़ हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे भी काफ़ी सारी डिटेल मेंशन है, अच्छा है कि सेसा ऑयल कोई कॉस्मेटिक ऑयल नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है। इसके अलावा इसमें 18 हर्ब्स जो भी उन्होंने इसमें ऐड किए हैं वो सारे लिखे हुए हैं, रिड्यूस हेयर फॉल जिसमें है भृंगराज, गुंजा, जटी, इसके अलावा सपोर्ट हेयर फॉल, तिल ऑयल है, हेल्प डिले प्रीमैच्योर एजिंग, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, यानी समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से बचाने के लिए भी इसमें हर्ब्स यूज हुए हैं, जो कि है मेहंदी, मंडूर, भस्मा, त्रिफला, हेयर स्कैल्प को नरिश करने के लिए भी हर्ब्स यूज हुए, जो है वाचा, नीली, जटामांसी, इलायची,
गोधुमा यष्टि मधु। ये तो रहा इसके आउटर पैकेजिंग, इसकी इनर पैकेजिंग इस टाइप की है, इस टाइप की पैकेजिंग है। तो आप इसको जब भी अप्लाई करो, इसमें कॉम दिया है, आपको इसको ओपन करके पहले अंदर होल करना है। उसके बाद आपको उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का सा इसको प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है। उसके बाद पूरे अच्छे से आपको क्या करना है, इसको किस प्रकार यूज़ करना है, हफ्ते में 3 बार या 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेंटर पार्टिंग करनी है, उसके बाद इसमें ऊपर कॉम दिया हुआ है, तो आपको हथेली वगैरह में नहीं लेना है, लेकिन अगर आप वैसे कंफर्टेबल हो तो वैसे भी आप इसकी सहायता से आप पूरे बालों में अप्लाई करें। उसके बाद मसाज करें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, अच्छे से सर्कुलर मोशन में पूरी स्कैल्प में बालों में अप्लाई करें, छोड़ दें पूरी रात के लिए। अगली सुबह आपको आप चाहो तो जो शैम्पू यूज़ करते हो उससे आप हेयर वॉश कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसी का शेसा शैम्पू भी आता है, इसके शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए बालों में इसको छोड़ के उसके बाद शैम्पू कर सकते हो। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, आपके बालों को प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है, हेयर फॉल को रोकता है, बालों को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको खुजली, डैंडफ वगैरह, उसको भी ठीक करता है, बालों को स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाता है। ये तो रहा इसके बारे में। अब बात करते हैं, इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं, क्या ये ऑयल वाकई हेयर फॉल कंट्रोल करता है? तो दोस्तों, ये जो बॉटल है मैंने इस टाइम ख़रीदी है, तो इस समय मैंने प्रेजेंट टाइम पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन तकरीबन 5 to 6 ईयर पहले, यानी 5 से 6 साल पहले मुझे काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था एक समय, तो मैंने इस ऑयल को लिया था। उस समय थोड़ी सी इसकी पैकिंग चेंज थी, यानी ऊपर इसका इसमें एक राउंड शेप का कैप हुआ करता था रेड कलर का, वो उस समय मैंने ऑयल परचेज़ किया था। तब मैंने इसको अपने मुझे काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, तो उस समय मैंने इसको अपने बालों में तकरीबन 2 महीने के लिए अप्लाई किया, जिससे कि मेरा जो हेयर फॉल है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल, मुझे ऐसा फील होने लगा कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, यानी बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, झड़ रहे थे, बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे हो रहे थे, लेकिन इसको यूज़ करने के 2 महीने बाद ऐसा पाया कि मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। एंड आपको फील होगा कि आपका आपके बालों की ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के तो उनको भी घने बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, 13 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें, बाकी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।